दोस्तों अगर आप इस श्रेयस अय्यर को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कानपुर में गुरुवार को खेला जा रहा है। भारत के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी करके टीम को संभाला। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 4 विकेट पर 258 रन बना लिए हैं। दोनों बल्लेबाज 5वें विकेट के लिए अब तक नाबाद 113 रन जोड़ चुके हैं। अय्यर मैच से टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं, वे 75 रन बनाकर अभी भी खेल रहे हैं। इसके अलावा जडेजा और शुभमन गिल ने भी अर्धशतक लगाया। मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 21 रन जोड़े। मयंक शुरुआत से ही असहज दिख रहे थे, वे तेज गेंदबाज कायल जेमिसन की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद उतरे चितेश्वर पुजारा ने दूसरे विकेट के लिए गिल के साथ अर्धशतक की साझेदारी की। हालांकि पुजारा बड़ी पारी नहीं खेल सके, पहले सेशन में टीम ने सिर्फ 1 विकेट गवाया था। शुभमन गिल 93 गेंद पर 52 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया। उन्हें जेमिसन ने बोल्ड किया। चितेश्वर पुजारा 88 गेंद पर 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे, 2 चौके लगाए। उन्हें तेज गेंदबाज टीम साउथी ने आउट किया। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे 35 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 63 गेंद खेली और 6 चौके जड़े। वे जेमिसन की गेंद पर बोल्ड हुए। टीम के 145 रन के स्कोर पर 4 विकेट जल्दी गिरने के बाद लग रहा था कि टीम जल्द सिमट जाएगी, लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने भारतीय साझेदारी करके टीम को संभाला। टीम के 145 रन के स्कोर पर 4 विकेट जल्दी गिरने के बाद लग रहा था कि टीम जल्दी सिमट जाएगी, लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने शतकीय साझेदारी करके टीम को संभाला। अय्यर ने अब तक 136 गेंद का सामना किया है और 75 रन बनाए हैं, 7 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। वहीं रविंद्र जडेजा 100 गेंद पर 50 रन बनाकर खेल रहे हैं, 6 चौके लगाए हैं। खराब रोशनी के कारण दिल का खेल 6 ओवर पहले ही समाप्त यानी घोषित कर दिया गया। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।